जा रहे हैं अपने एक यूट्यूबर दोस्त से मिलने। अरे भाई ब्लॉग चल रहा है। कैसे हाल है? कोई दिक्कत नहीं हुई है। रोड इनके गांव की थोड़ी टूटी हुई है, हमारे गांव की सेम हो रखी है। तो विनोद भाई चाय नहीं पीते हैं, उसकी जगह पी रहे हैं पानी। ऐसे मान सकते हैं गर्लफ्रेंड है, उसको देखेंगे। लड़की छोड़, गाड़ी पे दिल आ जाएगा अगर इसको देखेगा भाई। तो देखना सभी दोस्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे को नए ब्लॉग में। तो दोस्तों कल ब्लॉग नहीं आ पाया, उसके लिए क्षमा चाहते हैं, क्योंकि बारिश बहुत तेज हो रही थी और कल हम ब्लॉग शूट नहीं कर पाए। तो फाइनली गाइज हम लोग जा रहे हैं अपने एक यूट्यूबर दोस्त से मिलने। क्यों? क्योंकि मेरा चैनल डिमोनेटाइज हो रखा है या नहीं हो रखा है पता नहीं चल रहा है, क्योंकि क्रोम में जाकर अगर चेक कर रहे हैं तो वहां तो शो हो रहा है कि हाँ मोनेटाइज है, बट वीडियो पे अर्निंग वगैरह शो नहीं कर पा रहा है पिछले लास्ट 2-3 महीने से। तो चलते हैं और भाई से डिस्कस करके देखते हैं क्या है, क्या प्रॉब्लम है और किस तरह का जो है समस्या का सामना हम लोग करना पड़ रहा है। और मैं और मेरे साथ विनोद भाई जा रहे हैं और बाइक से। हमारे यहाँ से 15 किलोमीटर के आसपास भाई का जो है घर है, गाँव है, तो गाँव के रहने वाले हैं। अभी उन्होंने जो है अपनी ही यूट्यूब कमाई से R15 भी निकाली थी, तो वहाँ आप लोग बने रहिए हमारे साथ और चलते हैं। अब गाइस मैं और विनोद भाई जा रहे हैं। विनोद भाई को मैंने गांव से उठा लिया था और हसनपुर पार कर चुके हैं, और उसके बाद भाई के गांव की जो रोड है बहुत हल्की फुल्की हमारे गांव से मिलती जुलती है, टूटी फूटी है, और बरसात तो 2-3 दिन से डेली हो रही है, तो इसलिए जो है बारिश वगैरह भी जो है ना कंटिन्यू पड़ रही है, जिससे कि जो है आपको पानी जो है भरा हुआ रोडों पर दिखाई दे रहा होगा। चलिए अब मिलते हैं वहीं जाकर और दिखाते हैं मोबाइल को अपने YouTube स्टूडियो को कि क्या प्रॉब्लम आ रखी है, आखिर हमारा भी डॉलर क्यों शो नहीं हो रहा है। बिल्कुल अकेले में। अरे भाई, अरे भाई ब्लॉग चल रहा है। कैसे हाल है? और कैसे भैया? आ जाओ भैया, मेरा तो ब्लॉग से हो रहा, देखो आज का अपलोड करना है। ओह माय गॉड, फाइनली पहुंच गए हैं भाई के घर, बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं। कैसे भाई आप सभी? गाइस देखो हमारा तो यही काम रहता है 24 घंटे, अभी भी ब्लॉग एडिटिंग करके सेविंग पे चल रहा है, अभी अपलोड करना है शाम को 6 बजे आता है। और बताओ क्या चल रहा है? तुम्हारा पहले मॉर्निंग में आता था शायद 8:30 बजे, नहीं 6-8 बजे, अब 6 बजे कर दिया, सभी को पता है। चेंज कर दिया। कोई दिक्कत नहीं हुई है। रोड इनके गाँव की थोड़ी टूटी हुई है, हमारे गाँव की सेम हो रखी है, बस रोड बहुत बैंकर है। तो अब भाई के साथ शेयर करेंगे जो प्रॉब्लम है वगैरह, और देखते हैं क्या डिस्कस वगैरह निकलता है उसका। कुछ नहीं, खा पी के आराम से दोपहर, उसके बाद बाइक वगैरह ना थी घर, तो पापा का इंतजार करके बाइक लेकर तब इधर आए। तो गाइज फाइनली सारे डाउट क्लियर हो गए, और कुछ समय बाद जो हमारा पिन वगैरह की जो प्रॉब्लम थी एडसेंस में उसकी प्रॉब्लम सामने आई है, बाकी सारा कुछ है, मोनेटाइज भी है। बट जो YT स्टूडियो में जो डॉलर वगैरह शो नहीं कर रहा था वो इसलिए क्योंकि हमारे एडसेंस अकाउंट में प्रॉब्लम थी, तो वो जो सत्येंद्र भाई ने सॉल्व कर दी है, सारी सॉल्व कर दी है भाई ने, भाई तो भाई के लिए स्पेशली थैंक यू। और अरे भाई थैंक यू नहीं है गाइस, पता है इनके चैनल में समथिंग 7-8 महीने से प्रॉब्लम चल रही थी एडसन। हाँ बिल्कुल, ये पता है आपके एडसन में अगर कोई प्रॉब्लम आती है ना ऊपर ही आपको डायरेक्टली दिखाई दे जाएगा, रेड इशू आ जाता है, मतलब कोई भी जब नोटिफिकेशन आपकी रेड हो ना समझो आपके एडसन में प्रॉब्लम है। भाई ने उस पर ध्यान नहीं दिया, कह रहे थे खत्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस, भाई के एडसन में प्रॉब्लम थी सिर्फ एड्रेस की। भाई मैं आपको बार बार यही बोल रहा हूँ, कोई भी आप जो भी वीडियो देख रहे हो और स्पेशली देवेंद्र भाई को भी, भाई कभी भी आप अपना एडसन बना रहे हो ना उसमें आधार कार्ड का ओरिजिनल एड्रेस ही फिल करना, वरना प्रॉब्लम आपको भी आएगी। फादर्स नेम वगैरह सारी चीज फिल करना है। मैंने इनको कॉल किया था और पूछा था क्या क्या फिल करना है, इन्होंने कहा था कि आधार कार्ड का सेम एड्रेस फिल करना है, बट इन्होंने चेंज कर दिया उसमें थोड़ा, फिर भी फादर नाम छोड़ के बाकी सेम एड्रेस फिल कर दिया, तो वो हाँ मिस्टेक रही है। कोई नहीं भाई का, मैं कहूंगा ऊपर वाले से कि भाई बहुत जल्दी भाई का एडसन पिन आ जाए, इसके बाद इनके चैनल पर काम तो कर ही रहे हैं भाई, बट अर्निंग बंद हो रखी है फिलहाल के लिए, वो सिर्फ एडसन की वजह से, लेकिन कोई ना हो जाएगा। लेकिन एक चीज है अर्निंग वगैरह नहीं आएगी ना, मेरे को अच्छा लगता है ब्लॉगिंग करना। हाँ। और कंटिन्यू में करता रहूंगा। यही है भाई, अपना ही पता है गाइस, यही शायद प्रॉब्लम मेरे साथ हुई थी, मेरे एडसन का भी एड्रेस गलत हो गया था भाई, पिन ही नहीं आ रहा था मेरा, बड़ी मुश्किल से जाके पिन आया, लेकिन भाई हिम्मत नहीं आ रही, डेली ब्लॉगिंग करते हैं, आज भी कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। अब अपना तो भाई, मेरी तो फर्स्ट पेमेंट वगैरह आ चुकी है, जैसा भी देवेंद्र भाई को पता है, आ चुकी है, आपकी भी आएगी बहुत जल्दी। भाई ने न्यू बाइक भी परचेज की है, बाइक भी ले लिया, ड्रीम बाइक ली है और उसको देख के चलेंगे। हाँ गाइज बाइक, अभी बाइक तो दिखाई भी नहीं, ले आऊंगा मैं से, बिल्कुल गाइज बने रही ब्लॉग के साथ, अभी भाई को चाय वाई पिलाएंगे, चाय का ऑर्डर दिया है घर पे, बने रही ब्लॉग के साथ। बहुत अच्छा लगा सुरेंद्र भाई से मिलकर, साथ में विनोद भाई भी जो हमारे आराम फरमा रहे, अब थक गए, काफी टाइम लगा यार, सर में दर्द था, मतलब क्या है मेरे हाथ वगैरह भी कांप रहे थे, यार हो क्या रखा है, दिमाग बिल्कुल खराब था, लेकिन अब रिलैक्स फील कर रहे हैं और अच्छा लग रहा है, और आई थिंक कि 1 मंथ के अंदर सारी जो प्रॉब्लम
सॉल्व हो जाएंगी फाइनली और चैनल में कोई दिक्कत नहीं है कि मैं सोच रहा हूं कि अगर ये वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व नहीं होगी ना तो भाई भाई के डॉलर है 16 भाई फिर उनमें गोली मारेंगे फिर नया लगाएंगे फिर नया बना देंगे फिर एक ऑप्शन होगा हमारे पास वैसे हो जाएगी। हाँ होनी चाहिए वैसे सारा काम ओके कर दिया हो जाएगी फाइनली तो काफी चीजें अच्छी लगी और बाकी जो है फुल मजे ले रहे हैं विनोद भाई और भाई की चल रही है एडिटिंग अब जो इनकी 6 बजे वीडियो आने वाली है वीडियो अपलोड करूंगा शाम को 6 बजे ब्लॉग मतलब मेरा तो उसका थंबनेल बना रहा हूं मैं मेरा तो यही रहता डेली तो फाइनली भाई का चाय लिया है तुम भी तो पियो मैं कर रहा हूं ए अपने लिए अरे भाई बहुत तो चाय कर दी यार पियो बहुत अरे पियो यार गिलास भर भर के अपने लिए ले लेगा गिलास ना ना ये चला के पी लूंगा पी लो थोड़ी सी कम कर लो तो गाइस फाइनली भाई चाय हो गया भाई सारे भाई पीते चाय तू पी लो सब कुछ और इतनी कम ये पी देना तुम पी लो ना तुम ले लो गिलास मैं पानी पी लूं मगर मैं चाय ना पीता गर्म बहुत है तो विनोद भाई चाय नहीं पीते हैं उसकी जगह पी रहे हैं पानी चाय पी पाकर जो है निकलेंगे फटाफट घर के लिए यार हो गए चाय भी पी के हो गए कंप्लीट अब जो है भाई की जो एक ऐसे मान सकते हैं गर्लफ्रेंड है उसको देखेंगे भाई की गर्लफ्रेंड हाँ सत्येंद्र भाई की क्यों है ये सत्येंद्र भाई का हॉस्पिटल इधर भाई का बहन वगैरह पूरे गांव में लग रखे हैं यार और तो ये नोटिस करो भाई की जो बाइक है इधर खड़ी है भाई लड़की छोड़ गाड़ी पे दिल आ जाएगा अगर इसको देखेगा भाई और देखो भाई ने अपने यूट्यूब का जो लोग वगैरह भी यहाँ लगा रखा एवन गाड़ी हो कहीं ना कहीं जो अभी लास्ट वीडियो में दिखाया था इन्होंने स्क्रैच वगैरह आ गया भाई की हाँ कहीं देखकर फीलिंग्स ऐसी आती हैं एक अलग तरह की जो वाइब जो क्रिएट होती हैं और देखो भाई की जो गाड़ी ये है जो स्टंट करते हुए कहीं ना कहीं थाने भी पहुंची थी सीन हुआ था एक बार पुलिस केस वगैरह हो गया था इस बाइक को लेके क्योंकि गंगा जी में वगैरह में स्टंट किया था तो दोस्त ने अभी जो ना एक मंथ शायद उसको कम्प्लीट हो गया है ये परचेज की थी तो देखना कहीं ना कहीं एक ऐसा कहीं ना कहीं फीलिंग्स आती हैं मन में जब देखते हैं ना चीज़ों को और ज़्यादा करने की जो बढ़ता है कि भाई मतलब किसी को देख के ना कुछ सीख भी मिलती है अभी भाई जैसे स्टार्टअप है इनका हो जाएगा बिल्कुल अपना हो गया जैसा भी अगर इधर बहुत भाई ने कर रखा है इससे भी हाई लेवल पर पहुँचे हुए भाई नेक्स्ट लेवल कर रखा है लेकिन कोई ना भाई देवेंद्र भाई का भी एक दिन बहुत जल्दी बिल्कुल बिल्कुल तो गाइस देखा सत्येंद्र भाई ने हमारी जो हेल्प की है और किस तरह से पूरा जो हम लोगों को सहयोग किया है उसके लिए सत्येंद्र भाई का थैंक्स और मिलेंगे ऐसे ही अगले ब्लॉग में तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे जय श्री कृष्णा।